Hi everyone, it's me Sheetal and you're watching Stunning Creation channel. As you all know, Diwali काफ़ी करीब है और मैंने अब तक की वीडियोस में कहा था कि हम घर में बनाएंगे कुछ क्राफ्ट जिससे हम अपने घर को दिवाली में डेकोरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिफिशियल तोरण कैसे बनाया जा सकता है। तोरण का महत्व तो आम के पत्ते और फूलों से जो बनता है उसी का रहता है, बट ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहेगा जो अब्रॉड में रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे आम के पत्ते और गेंदे के फूल मिलना मुश्किल है। तो आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊँगी तोरण कैसे बनता है, और इसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फ्लोटिंग कैंडल हम कैसे घर पर बना सकते हैं। बिकॉज दिवाली के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि फ्लोटिंग कैंडल आप जब मार्केट में लेने जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली रहता है और उसका लाइफ भी उतना नहीं रहता, वो काफ़ी जल्दी बुझ जाता है। जो हमारा कैंडल रहता है वो काफ़ी जल्दी बुझ जाता है। सो लेट्स गो अहेड।
ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने घर पे इस बार ऐसे ही तोरण बना के सजाएंगे। इट वॉज जस्ट एन आइडिया, आप इसमें चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग फॉर दैट हाउ वी विल सेलिब्रेट दिवाली और हाउ वी विल डेकोरेट आवर होम एट यूएस।